नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी किचन में। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बर्फ वाली आइसक्रीम, जो हम बाजार में खाते हैं ना, ऑरेंज वाली आइसक्रीम बर्फ वाली, और वही उसी की रेसिपी आज हम बनाएंगे, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। और मुझे भी ये रेसिपी ये बहुत पसंद है, ये आइसक्रीम। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बर्फ वाली आइसक्रीम बनाना। दोस्तों ऑरेंज आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले शुगर सिरप बनाया था। इसकी रेसिपी आप मैंने जो पेप्सी कोला कैंडी बनाई है उसमें आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप उसमें इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो मैंने उसी तरह से शुगर सिरप बनाया था, उसमें ये ऑरेंज कलर मिलाया है। आप इसकी जगह चाहे तो ग्लूकॉन डी से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो टैंग का जो ऑरेंज फ्लेवर आता है उससे भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बस मैंने इसमें फूड कलर मिलाया है और ऑरेंज फूड एसेंस मिलाया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह का मेरे पास जो कुल्फी मोल्ड है, इसे मैंने कुल्फी की रेसिपी बनाई थी, उस तरह का हम एक कुल्फी मोल्ड ले लेंगे और उसमें ये ऑरेंज सिरप डालेंगे। बस इसमें थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये नींबू का रस मैंने लिया है, इसमें हम ये आधे छोटे चम्मच नींबू का रस इसमें हम ऐड कर देते हैं। इससे क्या है, हमारा बहुत ही टैंगी फ्लेवर आएगा। तो इसे हम अच्छे से मिला देते हैं और हम इसे इस तरह के कुल्फी मोल्ड में इसे अच्छे से भर देते हैं। ये बिल्कुल बाजार में जिस तरह का ऑरेंज आइसक्रीम हम खाते हैं बर्फ वाली, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है। अब हम इसे कवर कर देंगे और ये एक स्टिक है आइसक्रीम स्टिक, उससे हम इसके बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे डाल देंगे। और इस तरह का एक कुल्फी स्टैंड है मेरे पास, तो उसमें हम इसे कर देते हैं। इसी तरह हम अपने बाकी आइसक्रीम को भी बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सारे आइसक्रीम की जो का जो सिरप था उसे मैंने इसमें भर दिया है चारों में, और इसमें स्टिक लगा दिया है। मैंने इस कुल्फी मोल्ड में आइसक्रीम इसलिए जमाया है क्योंकि इसमें स्टिक लगाने में बहुत आसानी होती है। तो अब इसे हम छः से सात घंटे के लिए फ्रिजर में रख देंगे, फिर हम इसे निकालते हैं। दोस्तों मैंने इसे 6 से 7 घंटे के बाद, लगभग 7 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। और अब इसे 5 मिनट तक के लिए मैंने ऐसे रख दिया था ताकि थोड़ा सा ये पिघल जाए। तो अब हम इसे अनमोल करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी ये पूरी अच्छे से बाजार में मिलने वाली ऑरेंज आइसक्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है। बाजार में मिलने वाली ऑरेंज आइसक्रीम अनहाइजीनिक होती है, पता नहीं वो किस पानी से बनाते हैं, पर मैंने इसे शुगर सिरप से बनाया जो बहुत ही टेस्टी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करिएगा, अब भी खाइएगा, अपने बच्चों को भी खिलाइएगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।